मैं डॉक्टर शंकर बामनिया। जो चांदीपुरा वायरस के शंकास्पद जो केसेस मिले हैं बच्चों में गुजरात में, उस संदर्भ में हमारे ज़िले के खेरवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें दो ब्लॉक हैं, खेरवाड़ा ब्लॉक और नया गांव। खेरवाड़ा ब्लॉक में बलीचा गांव है, उसके पास में एक नला फला है, वहाँ पर एक बच्चा 3 साल का है और वो बच्चा 26 अभी गई तारीख को मिला था। तो उस बच्चे की फीवर है हाई ग्रेड। उसके पिताजी क्या गुजरात में कोई मजदूरी करते हैं, हो सकता है आना जाना हुआ हो। हाई ग्रेड फीवर के बाद तुरंत प्रभाव से क्या वो सिविल हॉस्पिटल हिम्मतनगर ले गए, और हिम्मतनगर लेते ही 48 घंटे में डेथ होगी। और ऐसी डेथें 3 और हुई गुजरात में, और जो गुजरात ज़िले की अरवली और साबरकांठा ज़िले की। तो ये डेथों के पीछे वहाँ जो पीडिशन डॉक्टर्स हैं उनका ग्रुप एक्सपर्ट, उन्होंने ये मोटे मोटे डायग्नोस किया प्रोविजनल की जो चांदीपुरा वायरस है। चांदीपुरा वायरस वो वायरस है जो 1966-65 में नागपुर के एक छोटा सा गांव है चांदीपुरा में मिले थे। 15 साल से नीचे बच्चों की बहुत सारी डेथ हुई थी, तो उस समय डायग्नोस हुआ था और उसका नाम चांदीपुरा गांव से रख दिया था। जो मेन जो लक्षण है उसके, हाई ग्रेड फीवर होना, तेज़ बुखार आना, इसके साथ साथ हेडेक होना, हेडेक के साथ में इसको मिर्गी का दौरा पड़ना, यानी कि वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है ब्रेन में जाके, और तुरंत प्रभाव से कोमा में चला जाता, मिर्गी के दौरे आते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अभी जो पैनिक कंडीशन हमारे ज़िले में हुआ है उसमें एक बच्चे की डेथ हो गई है, वहाँ हमारी टीमें लगी हुई। एक बच्ची अभी जो नया गांव के पास में जो बावलवाड़ा है, बावलवाड़ा के गांव की है, वो बच्ची 4 साल की, वो एडमिट है, आईसीयू में थी, आईसीयू से बाहर निकाल दिया। उनकी हालत बहुत अच्छी है अभी, पहले से आउट ऑफ कंट्रोल है। और ऐसी स्थिति में सभी बच्चों का वहाँ पे जितने एडमिट थे उनके सीरम या ब्लड लेके जो वायरोलॉजी लैब है पुणे में वहाँ भेज दिए। हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं लैब की रिपोर्ट को, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर हमारी जो चांदीपुरा वायरस या डिजीज़ एक्स के रूप में मानते हुए हमने हमारी जो टीमें हैं मेडिकल हेल्थ की वहाँ पे डिप्लॉयड कर दिए, रोज़ सर्वे कर रही। वहाँ एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं हमारे, डिप्टी हेल्थ हैं, एक फिजिशियन, एक पीडियाट्रिशियन को हम मौके पे लगा दिया। बेसलाइन के वर्कर हमारे आशा है, NMA, CHO डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। और एंटी एडल एक्टिविटी, क्योंकि जो वायरस फैलने का मुख्य कारण है वैक्टर बॉर्न डिजीज है, किसी न किसी के मार्फत से फैलता है। तो मोटे तौर पर इस वायरस का फैलने का कारण मक्खी है, कीट पतंगे है या मच्छर है। तो मच्छर मक्खी और कीट पतंगों को रोकने के लिए वहाँ हम जो पानी भरा रहता है उसको सोर्स कहते हैं, उसको रिडक्शन करें। अगर कहीं लार्वा है तो एंटी लार्वल एक्टिविटी, कहीं अगर अडल्ट है तो एंटी अडल्ट एक्टिविटी, साथ में IC एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी मैं कलेक्टर साहब से भी मिला हूँ और मैंने निवेदन किया, सर ये जो पैनिक कंडीशन है, और इससे पहले ऐतिहासिक तौर पर हम अन्य डिपार्टमेंट, ICDS डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी एक चिट्ठी लिख दें, ताकि जो स्कूलों में या आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे हैं ऐसे कोई शंकास्पद केस मिले हमें तुरंत प्रभाव से इन्फॉर्म करें, ताकि हम रेफर करें और उनका इलाज करा सकें। की बात करें गुजरात इलाके से सटे हुए जितने भी गांव और जो ब्लॉक है, कितने बच्चों की स्क्रीनिंग वहां पे की गई है और कितने कोई सिम्टम्स या कोई बीमारी का कुछ आया है क्या? क्योंकि दोनों क्षेत्र गुजरात राज्य से छटे हुए हैं, गुजरात के अरवली और साबरकांठा का क्षेत्र है साथ में, और ये दोनों क्षेत्र बॉर्डर लाइन पे, हमें इनके पूरे गाँव में सर्वे करा लिया। एक जगह तो हमने 35 घरों का सर्वे कराया, क्योंकि ये स्कैटर्ड एरिया है, मगरी पे घर बने हुए, एक जगह 40 घरों का हमने करवा लिया। और वहाँ जितने भी बच्चे मिले उनके प्राइमरी तौर पे हमने उनका सर्वे में स्क्रीनिंग करा ली, सर्विलेंस करा लिया, साथ साथ में हाई अलर्ट मोड पे हमने सभी ब्लॉक को कर दिया है। क्योंकि लगता हुआ क्षेत्र कोटड़ा है, जाड़ोल है, नया गांव है, खेरवाड़ा है, और इन क्षेत्रों में इसके अलावा हमारे ज़िले में अन्य जो ब्लॉक हैं उनको लेटर कल ही लिख दिया है हाई अलर्ट मोड पर रखने के लिए, कि आपके क्षेत्र अधीन में कभी ऐसा कोई केस मिले शंकास्पद, हाई ग्रेड फीवर है, हेडेक है, उल्टी दस्त है, मिर्गी दौरा, तो तुरंत प्रभाव से इन्फॉर्म करें, इनको रेफर करें, एडमिशन करें। तो जितने भी बच्चे अभी मिले इसको शंकास्पद केस हमें अभी तक मिला नहीं, अभी तक संदिग्ध नहीं मिला।